हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के बारे में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेरे लिए रिएक्शंस हो सकती हैं एंड कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पर बन सकते हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग प्रॉपर वे में देख रहे हैं और कैसे मुझे सॉल्व करना चाहिए, है ना, या फिर जो रिएक्शंस हैं तो कैसे मुझे थिंकिंग रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, है ना। देखिए, अभी तक क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक हो गया, है ना, या फिर ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गए, सभी पर हम लोग क्या करेंगे कि एक पूरी सीरीज लेके आएंगे जहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है कि टफ है ना, या फिर जो कई बार बोर्ड एग्जाम में मेरे आ चुका है, ठीक है। तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो कुछ हम लोगों ने रिएक्शंस देखी थी कि किस तरीके से मुझे रिएक्शन पे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, कैसे मुझे आइडिया आएगा कि ये रिएक्शन कहाँ से लिंक कर रही है ना, और कैसे मुझे रिएक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक। तो उसी की सीरीज़ पे आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है, जो कि हमारे पास कन्वर्जन होंगे, रिएक्शंस होंगी, है ना, व्हाट हैपेंड टाइप की रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, चीज़ें रिवाइज़ कर ले, है ना, फिर आप वीडियोज़ को देखें जिससे कि आपको चीज़ें और भी अच्छे समझ में आए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, है ना। क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है ना, मुझसे बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशंस व्हेन मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, है ना, एंड ब्रोमो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो मुझसे बोल रहा है ना, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पहला पार्ट, मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, है ना, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, इसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग AgNO2 के साथ, है ना। ऐसे ही एक सिमिलर रिएक्शन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख रखी है, ठीक है, जहाँ पर एथिल क्लोराइड हुआ करता था शायद, है ना। अब देखिए, मेथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा मेरे लिए, CH3Cl, ठीक है, इससे हम क्लोरो मीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोल रहे हैं, EIPSC, ये कॉमन नेमिंग है ना, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन मेरी हो रही है AgNO2 के साथ, ठीक है, इसके साथ AgNO2, ठीक। देखिए, ऐसे रिएक्शंस पे पहले भी हम लोगों ने बात कर रखी है कि मेरे पास जो ये RX है, ठीक है, जो भी मेरा एक्स होता है ना, Cl होता है, F होता है, I माइनस होता है, ठीक, या फिर Br-, ये सब भी लिविंग ग्रुप्स होते हैं और ऐसे भागने की कोशिश करते हैं, है ना, इस तरीके से भागना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास अप्रोच है जहाँ से हम चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। एंड AgNO2 इस फॉर्म में रहता है जहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, AgX एंड RNO2, है ना। तो लास्ट लेक्चर में भी या फिर इससे पहले वाले में हम लोगों ने बात कर रखी है कि जब भी ऐसा दिखेगा तो वहाँ पर मुझे क्या करना है, इस एल्किल हैलाइड के केस में जो मेरा निगेटिव वाला पार्ट है ना, ये निगेटिव वाले को सब्सटीट्यूट कर देगा, है ना। तो मुझे क्या मिलने वाला है, CH3NO2, ठीक, जैसे मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती है, ठीक, उसी प्रकार जो यहाँ पर निगेटिव वाला पार्ट है वो इस निगेटिव वाले पार्ट को ही क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक, और उसकी जगह आके ऐसे बैठ जाएगा, है ना। एंड मेरा यहाँ से AgCl इस तरीके से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो मेरा ये बन गया नाइट्रोमीथेन, ठीक, और AgCl मुझे मिल गया, है ना, ठीक। तो ये मेरी रिएक्शन हो गई जहाँ से मैं इस तरीके से आइडिया ले सकता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उनसे बोल रहा है, ब्रोमो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CaCl3, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। तो जब भी हमें ये दिखता है कि एनहाइड्रस AlCl3 है, हो ना हो वहाँ पर फेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, ठीक, और मेरी ये एक हेलो बेंजीन की रिएक्शन है जहाँ पर मेरे पास ब्रोमो बेंजीन है, ठीक, तो मुझे ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, है ना। तो इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नोट करें इसको। देखिए, यहाँ पर जो भी है ना
क्वेश्चंस जो भी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, इस सभी रिएक्शंस किसी न किसी बोर्ड एग्ज़ाम, जितने भी हमारे इंडियन बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं एक ना एक बार, है ना, या फिर रिपीट भी हुए। तो इसी सिमिलर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले बोर्ड में, अगर इसको करने की आपको प्रैक्टिस हो गई है ना, आपका माइंडसेट बन गया है ना, आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो, तो बहुत ही आसानी से आपको यही फील होगा, है ना, जैसा अभी फील हो रहा है वैसे ही है ना एग्ज़ाम टाइम में भी आपको फील होगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं, है ना। चलिए, तो मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, एंड CH3Cl के साथ ट्रीट हो रहा है ना। CH3Cl, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन, इसको तो पहले क्वेश्चन का जो मेरे पास सेकंड पार्ट है, मुझे दे रखा है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, रिएक्शन हो रही है CH3Cl के साथ, है ना। अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक RX लिखा हुआ है ना, देखिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देखिए, जब भी मेरे पास एनहाइड्रस AlCl3 होता है, इसका मतलब ये है कि हो ना हो यहाँ पर फेडलक्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है। कौन सी रिएक्शन, फेडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से हेलो एरीन है, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन मेरे लिए RX से हो सकती है, जहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 होता है ना, एंड इस तरीके से मेरी हेलोबेंजीन की रिएक्शन RCOCl से हो सकती है ना, एंड मेरे पास एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ से जो X होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, इस तरीके से भाग जाता है, ठीक है, एंड X लगे होने की वजह से मुझे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा पे मुझे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक की तो हम बोलते हैं कि अगर RX यूज हुआ है तो हम बोलते हैं कि फेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है ना, एल्काइलेशन, एंड अगर RCOCl यूज होता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसाइलेशन हो रहा है, फेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है कि RX वाला केस है, इसका मतलब मुझे जो रिएक्शन दी हुई है वो फेडलक्राफ्ट है ना एसाइलेशन दी हुई है, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में मुझसे ये फेडलक्राफ्ट एसाइलेशन ही पूछ रहा है ना, एंड मेरे पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप भाग जाता है, एंड ऑर्थो और पैरा पे मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, इस तरीके से मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, BR मेरा हो गया, एंड ऑर्थो पे देखिए CH3, ठीक है, प्लस इस तरीके से मेरे पास पैरा पे CH3 एंड BR मेरा वैसे ही रहता है, ठीक है। ऐसा हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, ठीक। तो अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 मेथिल, ठीक, इसे हम बोलते हैं बेंजीन, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग की हुई कि मुझे यहाँ ब्रोमो लिखना है, ब्रोमो मतलब बी, मेथिल मतलब एम, तो पहले बी आता है ना इस वजह से, ठीक है, तो इसे मैं बोलूँगा 1 ब्रोमो, है ना, 4 मेथिल, ठीक, इसी के आगे बेंजीन। तो मेरे लिए फेडलक्राफ्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया प्रोडक्ट, ठीक, एंड मैं जानता हूँ कि पैरा वाला मेरे लिए मेजर होता है, एंड ऑर्थो वाला मेरे लिए माइनर होता है, ठीक है, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, है ना। चलिए, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उनसे बोल रहा है हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जेंस बी कैरिड आउट, ठीक है, 3 मेरे पास कन्वर्जन दे रहा है, इसे आप कैसे कैरिड आउट करेंगे इसकी बात करनी है ना।
चलिए इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है इसको नोट करें। तो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, मुझसे बोल रहा है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, मुझे एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ठीक है तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है एनिलीन NH2। ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है देखिए इससे मुझे क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। जब भी मेरे पास इस तरीके से कोई एमीन वाला कंपाउंड आएगा तो सबसे पहले मुझे सोचना है कि मैं इसका रिएक्शन है ना NaNO2 प्लस HCl से कराऊं। ठीक है जहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, HNO2। ठीक है नाइट्रस एसिड। अगर ये रिएक्शन होती है तो मुझे क्या मिलता है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ भी रखी होंगी। ठीक है इस तरीके से N प्लस है ना Cl माइनस, या फिर मैं बोलता हूँ N2 प्लस Cl माइनस। ठीक इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम ठीक है क्लोराइड। तो जब भी मुझे ऐसे एनिलीन से एरोमेटिक एमीन से कोई हेलो बेंजीन फॉर्म करना होगा तो सबसे पहले मुझे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाना होगा। ठीक है तो ये मेरे पास एक चारा है। ठीक है अच्छा ये जो रिएक्शन हुई ना इसे हम बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम डाई एजोटाइजेशन। ठीक है कि एनिलीन से आप ये बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनाओ। ठीक है अब देखिए इसके बाद जो मेरे पास रास्ते हैं, दो रास्ते से हम काम कर सकते हैं है ना। एक तो मेरे पास है अगर मैं CuCl HCl यूज़ कर लूँ, एक मैं CuBr HBr यूज़ कर लूँ। ठीक है अगर मैं CuCl HCl यूज़ करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलने वाला है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन। एंड इस तरीके से मेरे पास N2 निकल जाता है यहाँ से। ठीक है और आप बात करो तो HCl में मेरा निकल जाता है। ठीक है अगर मैं CuBr HBr यूज़ करूँ तो मुझे मिलने वाला है ठीक है ब्रोमोबेंजीन है ना। एंड इस तरीके से N2 ठीक एंड मेरे पास Cl था ना HCl। ठीक तो अगर आप चाहो तो है ना, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है तो इसको हम ना लिखें तो भी सही है। ठीक तो ये जो रिएक्शन हुई ना, ये जो दो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है तो जब भी मुझे है ना किसी एरोमेटिक एमीन से क्या बनाना है, हेलोबेंजीन, तो मेरे पास एक चारा है कि सबसे पहले मैं क्या सोचूं कि डाई एजोटाइजेशन कराऊं। उसके लिए मुझे NaNO2 प्लस HCl लेना पड़ेगा है ना, क्योंकि HNO2 से रिएक्शन होती है, नाइट्रस एसिड ऐसा नहीं होता है, तुरंत मुझे फॉर्म करना होता है NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है तो मुझे क्या मिलता है, HNO2 जो कि मेरा है नाइट्रस एसिड। ठीक है अच्छा जब ये रिएक्शन होती है तो मुझे मिलता है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। ठीक है ऐसे इसे मैं बोलता हूँ है ना BDC बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। ठीक अब मेरे पास दो रास्ते हैं, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं CuCl HCl यूज कर लूँ, अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो मैं CuBr HBr यूज कर लूँ है ना। इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ सेपरेटली सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है तो आपसे सैंडमेयर रिएक्शन भी पूछ सकता है कि आप सैंडमेयर रिएक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना देंगे। ठीक है अच्छा मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कन्वर्ट करना है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, तो मेरे लिए है ना ये हो जाएगा, ये मेरा चेंज हो गया किस में, ब्रोमोबेंजीन में। ठीक है अगर इसी से बोलता कि आप क्लोरोबेंजीन बनाओ तो हम इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं है ना, तो ये मेरी हो गई रिएक्शन है ना। नोट करें इसको, तो यहाँ पर चीज़ें कि आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे है ना तभी काम हो पाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म की बात तो है ना बोर्ड में मुझे नहीं करनी है, जिस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म पूछी जाती है ना उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक नहीं तो फिर काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, काफ़ी डिटेल हो जाएगा, वहाँ तक तो मुझे अभी नहीं जाना है। अभी तो है ना रिएक्शन का आइडिया आपको लेना है, किस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है
है ना, किस तरीके से आपको थिंकिंग रखनी चाहिए, है ना, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ करा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और ये टर्म्स जैसे नेम डायरेक्शन सैंड मेयर, है ना, डाइजेशन फिटिंग वर्स फिटिंग, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, मुझसे बोल रहा है क्लोरो बेंजीन टू टू क्लोरो एसिटोफिनोल, है ना, मुझसे बोल रहा है क्लोरो बेंजीन टू टू क्लोरो एसिटोफिनोल। ठीक है, मुझे रफ़ ही करना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन मेरा है क्लोरोबेंजीन टू, मुझे बोलना क्लोरो बेंजीन से मुझे जाना है ना टू क्लोरो एसिटो फिनोन। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला बताना चाहिए। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं आर मतलब सी एस थ्री होता है, इस हम क्या बोलते हैं एसीटोन, है ना, कॉमन नेमिंग में। अगर इसकी जगह मैं बेंजीन रिंग रख दूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं एसीटोन फिनोन। ठीक, अब देखिए टू क्लोरो का मीन्स क्या है, यहाँ पर मेरा सी एल लगा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे टू क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि मेरे पास, ठीक, कोई क्लोरो बेंजीन है उसके साथ ऑर्थो पोजिशन पे मुझे सी ओ सी एच थ्री लगाना है ना, मतलब ऑर्थो पे मुझे सी ओ आर लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ रखी है कि अगर मैं बेंजीन रिंग मतलब हेलो बेंजीन मेरे पास है और मैं आर एक्स की रिएक्शन करवाता हूँ एनहाइड्रस सी एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में, जिसे मैं बोलता हूँ फेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये हट के ऑर्थो पे आर लग जाता है एंड पैरा पे आर लग जाता है ना। एंड हम क्या पढ़े हैं कि अगर हम आर सी ओ सी एल यूज़ कर लें, है ना, तो मेरा सी एल निकल जाता है लिविंग ग्रुप, है ना, एंड आर सी ओ ये मेरा ऑर्थो पैरा पे लग जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है ना कि ये भी रिएक्शन मेरे फेडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, वहीं से मुझसे पूछ रहा है ना। चलिए, लेकिन अब की बार ये क्या है, एसाइलेशन है ना। चलिए, तो रिएक्शन मुझसे ये कह रहा है ना कि देखें, अगर आप सबसे पहले मुझे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर फेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दूँ, क्या चीज़, फेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक, जहाँ पर मैं रिएक्शन देता हूँ सी एस थ्री सी ओ सी एल के साथ, है ना, इसे हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, क्या चीज, एसिटिल क्लोराइड, ठीक, इसकी कॉमन नेमिंग है ना। एंड मुझे यूज करना होता है एनहाइड्रस, ठीक है, ए एल सी एल थ्री, ठीक है। एंड मुझे बताया कि ये मेरा लिविंग ग्रुप ऐसे भाग जाता है सी ओ सी थ्री ऑर्थो पे एंड एक बार पैरा पे लग जाएगा, तो अगर आप देखो सी एल ऐसा रहेगा सी ओ सी एस थ्री, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे एंड एक बार इस तरीके से सी ओ सी एस थ्री पैरा पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो मेरा ये बन गया टू क्लोरो, है ना, एंड इसे मैं बोलता हूँ एसीटो फिनोन, टू क्लोरो एसीटो फिनोन, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या बोलता हूँ फोर क्लोरो एसीटो फिनोन, है ना। तो मुझसे बोल रहे कि क्लोरोबेंजीन से आप क्या बनाओ, टू क्लोरो एसीटो फिनोन, तो मेरे लिए मैं यहीं तक रोक दूंगा, मेरा ये बन गया, है ना, हालांकि मेरा पैरा वाला मेजर है, ठीक, एन ऑर्थो वाला क्या है माइनर है, इसका मीन्स मुझसे माइनर प्रोडक्ट पूछ रहा था। ठीक, तो इस तरीके से मेरी ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना। चलिए,
मुझसे बोल रहा है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, मुझे क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है ना थर्ड पार्ट। चलिए नोट करें इसको। फिर तो इसका जो मेरे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ है ना, तो मुझसे बोल रहा है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू है ना क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन, ठीक है। तो क्लोरोइथेन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये मेरा बन गया कायदे से, ये 1-chloro-ethane है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से मुझे बनाना एक एल्केन, दिख रहा है ये एल्केन, ठीक है। अच्छा इस ब्यूटेन में मेरे पास 4 कार्बन होंगे है ना, मतलब कि ये ऐसा एल्केन है जो कि एक सिमेट्रिक एल्केन है ना। ब्यूटेन तो आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो ये मेरा कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। एंड एल्किल हैलाइड से सिमेट्रिक एल्केन बनाने की बहुत ही अच्छा हमारे पास मेथड है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एंड वुड्स रिएक्शन कैसे होती है भाई साहब, मुझे 2 मॉलिक्यूल इसका यूज़ करना पड़ता है ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो जाया करती है मेरी, ठीक है। एंड ऐसे Cl CH2 CH3 है ना, एंड मेरा यहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ होता है ना एज ए सॉल्वेंट, ठीक। एंड मैं जानता हूँ किस तरीके से मेरा NaCl निकल जाता है, एंड ये मेरा RR है ना, मतलब कि CH3 CH2 CH2 CH3 एंड मेरा 2 NaCl निकल गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिएक्शन होती है मेरे पास, जैसे RX हो गया प्लस सोडियम मेटल RX है ना, इस तरीके से रिएक्शन निकल जाया करती है ना। एंड मेरा ड्राई ईथर यूज़ होता है, ठीक है। एंड RR प्लस 2 NaX, ठीक। तो ये मेरा क्या बन गया, RR एल्केन है ना। तो इससे हम लोग सिमेट्रिक एल्केन बनाते हैं है ना, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक। तो मेरा ये क्या बन गया, ब्यूटेन, ठीक। तो ये मेरा हो गया आंसर है ना, क्या बोल रहा था, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, तो बन गया क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, ठीक। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी कैसे हमारे पास कन्वर्जेंस हो सकते हैं है ना, एंड कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में है ना, कुछ साइक्लिक कंपाउंड होंगे उसकी देखेंगे हम लोग कन्वर्जेंस, ठीक है। एंड इस चैप्टर में जो मेरे पास नेम्ड रिएक्शन यूज़ हो रही है ना, उसकी भी हम बात करेंगे है ना। चलिए तब तक के लिए, अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। देखते रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।